इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपके पास है नोकिया C12 प्रो का मोबाइल तो उसमें आप दोस्तों अपने किसी भी फोटो को वॉलपेपर में आप कैसे लगा सकते हैं, मतलब कैसे सेट कर सकते हैं। तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको जाना है नोकिया C12 प्रो मोबाइल फ़ोन के सेटिंग में, और सेटिंग में जाकर यहाँ पर आपको नीचे आना होगा। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ एक ऑप्शन मिल जाएगा वॉलपेपर एंड स्टाइल का, इस पर आपको क्लिक करना है। और वॉलपेपर एंड स्टाइल पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके का पेज आ जाएगा। अब आपको यहाँ चेंज वॉलपेपर का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ देखिए माई फोटोज का ऑप्शन मिलता है, माई फोटोज पर क्लिक करना है तो आपके फ़ोन के गैलरी में जितने भी फोटो होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। अब आपको उस फोटो को सिलेक्ट कर लेना है जिस फोटो को आपको वॉलपेपर में लगाना है। जैसे चलिए मैं यहाँ से इस फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट कर देंगे तो आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा टिक का, यहाँ पर निशान मिल जाएगा, टिक निशान पर देना है क्लिक कर। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ होम एंड लॉक स्क्रीन पर क्लिक कर देना है, आपके फोन में वो फोटो का वॉलपेपर लग जाएगा, मतलब वो फोटो जो है वॉलपेपर में सेट हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी फोटो को वॉलपेपर में लगा सकते हैं अपने नोकिया C12 प्रो के मोबाइल में। वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।